नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, दिवाली आने वाली है और हमारे चैनल पे इस टाइम पे दिवाली की ही पूरी वीडियोस आ रही हैं। तो आज भी हम बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास है आज ये बड़ा वाला ड्रम, और इसको आज हम उड़ाने की कोशिश करेंगे, धमाका करने की कोशिश करेंगे। और वही वीआईपी है हमारे पास, बड़े वाले, जो मतलब कि अपने बड़े वाले वीआईपी हैं, वही हैं, और अब इसको उड़ाने की टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अब ये इतना बड़ा ड्रम उड़ाना है तो ऐसे तो एक पटाखे से उड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई ये भारी भी है। तो इसीलिए हमारे पास हैं इतने सारे वीआईपी, तो देखते हैं इनको एक साथ जला के कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या ये उड़ता है कि नहीं। आप लोग बाकी कमेंट में बताना क्या ये उड़ेगा या फिर नहीं उड़ेगा, बाकी जो होगा तो वीडियो में तो आगे पता ही चल जाएगा। तो चलिए अब उड़ाते हैं इसको सीधे। तो गाइज, अभी हम पहले एक पटाखा रख के फोड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। बड़ा वाला अपना जो सुतली बम होता है वो रख के फोड़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं एक पटाखे से कितना ऊपर जाता है, जाता भी है कि नहीं जाता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। हाँ चलिए, लगाइए आग आप। तो गाइज, किसी ने हमको बोला था लाइटर ले लीजिएगा, पर जाने का समय नहीं मिला भाई यार। तो अब अपन भागने वाले हैं यहाँ से। ओ भाई, ओ भाई। और गाइस देख सकते हैं, इससे अभी भी धुआं निकल रहा है, और जो पटाखा है वो यहाँ पे बाकी कुछ ऊपर तक लेके गया। हमारी उम्मीद है, अभी तो हमारे पास और हैं, चार रख के फोड़ेंगे, अगर एक साथ फूटेंगे तो मजा आ जाएगा भाई, बहुत ऊपर जाने वाला है। बाकी एक बार मैं इसको उठा के और यहाँ का हाल आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए। तो गाइस अब चलिए दो रख के फोड़ के फिर दिखाते हैं आपको क्या होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये तीन इस बार रख रहे हैं छोटे वाले वीआईपी, और कुछ ऐसे हमने सेट किया है, और अब देखते हैं अगर ये एक साथ फूट जाए भाई तो मज़ा आ जाए, क्योंकि दिक्कत यही जाती है कि साथ में नहीं फूटते हैं। तो चाहिए देखते हैं साथ में फूटते हैं नहीं। तो गाइज अब वो सेट तो है तीन चीज़, बाकी थोड़ा दिक्कत जा रही है अपने को, लेकिन अब देखते हैं एक वीआईपी के साथ, जो बड़ा वाला वीआईपी हमने फोड़ा उससे तो मतलब इतना ऊपर आ गया था। अब देखते हैं तीन वीआईपी हम रख रहे हैं और वो कितना फूटता है। और थोड़ा चुनावी माहौल है हमारे साइड, तो बैकग्राउंड में आवाज़ आपको आ रही होगी, जो मतलब एडवर्टाइजमेंट हो रहा है हर एक पार्टी का, मतलब ऐड चल रहा है, ऐड क्या बोल रहा हूँ यार मैं, प्रचार हो रहा है। चलो तो गाइज अब सीधे इस पे मारते हैं और भागते हैं मार के, और रिस्की भी है तो आप लोग मत ट्राई करिएगा, हम लोग बहुत सेफ्टी के साथ जो भी काम करते हैं वो करते हैं। और गाइज देख सकते हैं, जो मतलब धुआं है उसके अंदर से अभी भी निकल रहा है, और एक बार मैं आपको क्लोज से दिखा दे रहा, ये देखो भाई, और अभी तो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, खतरनाक हालत हो गई है। तो गाइज आप लोगों ने देखा, मतलब जब हमारे तीन छोटे वाले वीआईपी जो हमने रखे थे, तो मतलब उसी के लेवल में आया, जितना मतलब एक वीआईपी बड़ा वाला जो फूटा था उसी के लेवल में आया। इस बार रख रहे हैं अपन बड़े वाले दो वीआईपी, और हमारे पास दो वीआईपी और हैं, तो देखते हैं क्या होता है, क्या पता भाई थोड़ा इतना टूट जाए, बाकी बहुत भारी ये जो ड्रम है वो है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अब दो वीआईपी के साथ। तो आइए दिखाते हैं आपको, गाइज देखते रहिएगा, बहुत खतरनाक धमाका होने वाला है। तो गाइस दिखा दिए आपको, मतलब जो अपना ये जो मतलब ड्रम था भाई, ये तो मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड प्लास्टिक का है, और टूटा नहीं कहीं से, कुछ नहीं हुआ। आपको दिखा दी हमने मतलब कि कितना ऊपर तक जाता है अगर हम रखते हैं दो वीआईपी छोटे वाले और बड़े वाले, तो हमने दिखा दी आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई होगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर जो लोग भी नए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोज़ हम लाने वाले हैं। और आप लोग एक काम और करना, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे पहले मतलब यहाँ से पहले वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ कि अगला व्लॉग या फिर वीडियो कहाँ का आने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।